क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान, जबर इस्तबदाद की एक और हकीकत, मासूम बच्चे जिस जुल्म तशद्दुद का निशाना बनते रहे इसका अंजाम क्या हुआ, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। मासूम बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद का यह पूरा वाकया कोई एक जगह का नहीं है, बल्कि लगता यह है कि वहशत और बर्बरियत कुछ लोगों में समाती जा रही है। मैं काफी दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूं कि मुल्क में ये बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात कुछ हद से ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तकीम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की ज़हनी बीमारी में मुब्तला है। सर, जिस जाने निगाह करें कोई ना कोई नया जुर्म सर उभार रहा है। जराइम पेशा अफराद की बोतात असल में नए से नए जुर्म को परवान चढ़ा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसकी रोकथाम के लिए बहुत जल्द अज जल्द ऐसे कवानीन होने चाहिए कि जिनका इतलाक फौरी तौर पर होना हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 207। स्ट्रीट क्राइम यानी जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 781। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 12। चोरी, डिकोइटी या रॉबरी में लिखे गए जराएं पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8,075। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोजिस खवातीन हजरात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं इस एपिसोड की नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो केस फाइल हमारे पास आई है विहाड़ी के इलाके लुड्डन पुलिस स्टेशन की हदूद से। नाज़रीन, चोरी, चकारी, लूटमार, लूट खसोट के वाकयात तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन इन्हीं जराइम पेशा अनासिर के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो मासूम बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद में मुलव्वस पाए जाते हैं। फौरी तौर पर वो सजाएं लागू होनी चाहिए कि जिनके बाद वो जराइम पेशा अनासिर दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएं।
आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसा ही अहवाल दिखाना चाहते हैं, हम बयान करना चाहते हैं कि आखिर हमारे इस मुआशरे में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। शुरू करते हैं ये दास्तान, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं ये जुनूबी पंजाब के जिला विहाड़ी का इलाका है, लुड्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद। यहां गुज़श्ता दिनों मंजर आम पर आने वाली एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई कि जो हर एक यहां के रहने वाले को खौफ और हैबत का शिकार बना गई। एक ऐसा हैरान कुन वाकया कि जो आज के तरक्की याफ्ता माहौल के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचे की सूरत दिखाई देता है। यानी जिस मुआशरे के मासूम बच्चे भी जुल्म और सितम का शिकार दिखाई दें तो उसका अंजाम क्या होगा। यही पसे मंजर आज के मंजर पर उभरने वाली सच्चाई का नाम है। ये एक इंतहाई सीरियस नेचर का केस था। पुलिस की रेडिंग टीम्स ने मुख्तलिफ छापे मारने शुरू किए। 11 मार्च 2023 लुड्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला विहाड़ी, FIR नंबर 193/23, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 376 के तहत आज की दिखाई जाने वाली पूरी कार्रवाई जेर तफ्तीश आई। यहां इस इलाके के मामलात जिंदगी यूं ही जारी और सारी थे। इस बस्ती में मुसलसल एक हैबतनाक कार्रवाई मंजर पर उभरती और डूबती रही। यहां के मासूम बच्चे भी जिस जुल्म सितम का शिकार होते रहे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाज़रीन इस दुनिया में रहने वाले किन किन मामलात से दो चार हैं समझ में कुछ नहीं आता। अक्सर तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ अफराद वैशी और दरिंदों की जिंदगी आज के इस जदीद दौर में भी गुजार रहे हैं, जिन्हें न कदर इंसानी है न ही अल्लाह का कोई खौफ, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह ही उन लोगों को अक्ल व खिरत अता फरमाए। आज इस गांव में तकरीबन लोग एक दूसरे से बहुत अरसे के बाद मेल मुलाकात की खातिर यहां यकजा होकर खुश गप्पियों में मसरूफ है। और इस दूसरी जाने आज कुछ बच्चों ने भी हिम्मत की है कि खेलकूद में लग गए, वरना यहां इस बस्ती में हर जाने खौफ और अंदेशों के साए मंडराते रहते हैं। और इन वाकयात को होते हुए शायद काफी अरसा बीत गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन है वो कमबख्त कि जो मासूम बच्चों के लिए जिंदगी को अजीरन बनाए हुए हैं। इसी दौरान अचानक ही इन बच्चों के दरमियान ये शख्स दाखिल हुआ और एक बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ी फसलों की जानिब चल दिया। यहां खेलते बच्चे पहले तो एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, इसके बाद ये सब दूसरी जानिब मौजूद गांव के अफराद की जानिब जा पहुंचे। आने वाले इन बच्चों ने तमाम मामला बयान किया कि एक आदमी हमारे दोस्त को फसलों की जानिब लेकर गया है। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस शख्स को लोगों ने ज़हनी तौर पर ही पहचान दिया और इसके बाद सब खेतों की जानिब दौड़ने लगे।
यहां उस मासूम बच्चे की तलाश शुरू हो गई। और कुछ ही देर बाद उस बच्चे को इस शख्स के हमराह बरामद कर लिया गया। और इस बच्चे समेत इस शख्स को हमराह लेकर गांव के तमाम अफराद बैठक के उसी मकाम की जानिब चल दिए। यहां मौजूद बस्ती के लोगों ने उस शख्स से बासपुरस शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि शायद तुझे अंदाजा ही नहीं है कि तेरे जैसे लोगों की वजह से इस बस्ती में कितने घर आज खाली पड़े हैं। गांव वालों ने तुझे पहले भी माफ किया था, लेकिन तेरी हरकतें सुधर नहीं पाईं। तूने अपने आप को आज तक ठीक नहीं किया। इस बच्चे को क्यों लेकर फसलों में गया था? ये आदमी झूठ मकर फरेब का सहारा लेकर बहाने तराशने लगा। नहीं, माफ नहीं कर सकते जी, असी माफ नहीं करते। और यहाँ मौजूद गांव के लोगों में कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि एक बार माफ करके देखते हैं, शायद ये शख्स राह रास्त पर आ जाए। और आखिरकार इस मुलजिम नुमा शख्स ने यहाँ मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू की और कहा कि मुझ पर शैतान आ गया था, अब इंशाल्लाह आइंदा मैं इन चीजों से बाज रहूंगा। इसी दरमियान कुछ लोगों ने कहा कि हमें दीन इस्लाम ये सबक देता है कि इंसान को बेहतर होने का मौका फराहम किया जाए, फिलहाल इसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन गांव के अफराद को इस पर निगाह जरूर रखनी होगी। और फिर इसके बाद यहां लोग एक दूसरे से ये सवाल कर रहे थे कि क्या इसे माफ कर दिया जाए या नहीं। और इसी दरमियान इसे आम माफी मिल गई और इसे यूं सुधरने का एक मौका और फराहम कर दिया गया। और आखिरकार इस शख्स को आम माफी इसलिए दे दी गई कि ये तमाम गैर अखलाकी हरकतों से हमेशा दूर रहेगा। नाजरीन, एक बात तो जरूर है कि अक्सर किसी न किसी महल्ले, इलाके, शहर, गांव या बस्ती में कोई न कोई ऐसे अफराद मौजूद जरूर होते हैं कि जो इंसानों के लिए हमेशा नासूर की सूरत अख्तियार करते रहते हैं, मगर मजबूरन उन्हें भी हमराह रखना ही पड़ता है। यूं वक्त गुजरता चला गया अचानक। फिर वही शख्स जाती हुई इन बच्चियों के पीछे चलता हुआ नजर आया। ये स्कूल की बच्चियां अपने स्कूल में दाखिल हो गईं और ये शख्स वहीं रुककर कुछ और सोचने लगा। स्कूल की छुट्टी के वक्त इसकी यहां मौजूदगी की बाबत किसी ने न कोई शक किया न कोई बासपुरस। स्कूल की छुट्टी के साथ ही तमाम बच्चे अपने अपने घरों की जानिब रवाना थे। वही शख्स अफरीद की मानिंद एक बार फिर नमूदार हुआ और एक इंतहाई कमसिन बच्ची से कहने लगा, तुम्हारा अब्बू खेतों में काम कर रहा है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें लेकर उसके पास पहुंचा दूं। अंकल, हमने सिपारा पढ़ने जाना है। आओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं।
और सबके देखते ही देखते वो इस मासूम को लिए फसलों की जानें बढ़ने लगा। और इसके बाद यहां मौजूद इस चार दीवारी में उस शख्स ने कदम रख दिए और नजरों से उछल हो गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं एक ऐसी जुल्म, वहशत और बर्बरियत की दास्तान से कि जिस दास्तान में एक वहशी दरिंदा सिफत शख्स इंसानों से, मासूम बच्चों से किस तरह खिलवाड़ करता रहा। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted। नाजरीन, CMW के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला व्याहड़ी के इलाके लुड्डन पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाले कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी घिनावनी दास्तानें कि जो आज के जदीद मुआशरे में हर एक से ये सवाल कर रही हैं कि आखिर ये अफराद कौन हैं जो इस खुदा की सरजमीन पर वहशत और बर्बरियत को आवाजें देते घूम रहे हैं। ये तमाम बच्चियां अपने स्कूल से अपने अपने आशियानों की जानेब रमा दमा थी। इन बच्चियों के घर जाने के दरमियान अचानक ही ये शख्स एक बार फिर नमूदार हुआ। नाजरीन, इसने जो बताया कि तुम्हारे वालिद खेतों में काम कर रहे हैं और उसने कहा है कि मैं तुम्हें उस तक पहुंचा दूं। अंकल, हमने सिपारा बनने जाना है। और जैसे ही ये शख्स इस बच्ची को अपनी तहवील में लेने लगा तो अंदाजा तो कीजिए कि शायद किसी जानदार ने देखा या नहीं देखा। लेकिन वहां मौजूद बेजान कांटों ने, नाजरीन इस मोड़ पर मैं ये पैगाम जरूर देना चाहता हूं कि खुदारा अगर आपकी निगाहों के सामने कहीं किसी मकाम, किसी गली, किसी शहरा पर ऐसा कोई वाकया सरजद होता नजर आए तो फौरी तौर पे 15 के जरिए या अपने करीबी थाने से राबता करके हमें दीजिए। मासूम बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिशें क्यों कर रहा है? अल्लाह की सरजमीन पर बसने वाले लोग हैं, अल्लाह की जिंदगी हमारे पास अमानत मौजूद है, तो अल्लाह की मिलने वाली अमानतों की हिफाजत करना हमारा और आपका दीनी फर्ज भी बनता है। नाज़रीन, वक्त बीतता चला गया। उस घर की 6 साल बच्ची महवेश जब काफी वक्त गुजर जाने के बावजूद घर न लौटी तो अहले खाना को इस बात की परेशानी शुरू हो गई कि आखिर हमारी महवेश वापस अब तक घर क्यों नहीं आई, ऐसा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। और इसके बाद अहले खाना उसकी तलाश और जस्तजू में उन घरों तक रवाना होने लगे कि जो बच्चियां रोज इनके साथ स्कूल आती और जाती थीं। ये अपने लख्त जिगर की तलाश में सरगर्दा नजर आए, कभी इस घर में कभी उस बच्ची के घर में, ताकि ये मालूमात तो हासिल कर सकें कि 6 साला महवेश आखिर कहां है। वक्त बढ़ता ही जा रहा था मगर तमाम तर जस्तजू के बावजूद उस महवेश का कहीं पता न चला। हां, ये मालूम जरूर हुआ है कि कोई शख्स स्कूल से आते हुए रास्ते के दरमियान उसे अपने हमराह ने किया है। बस यहां से देशी और वसवसे सर उभारने लगे। इसके बाद फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस स्टेशन से राबिता कायम किया जाने लगा। और
اب ناظرین اس کے بعد پورے علاقے میں جیسے ایک کہرام بپا ہو گیا ہو. لوگ جوک در جوک اسی گھر کی جانب چلے آ رہے تھے کہ آخر یہ معاملہ سرزد ہوا کیا ہے. اسی درمیان علاقہ پولیس کے اہلکار بھی آ پہنچے. آخر کار قانون کے اہلکار اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس جانب جا پہنچے کہ جہاں اہل خانہ اور گاؤں والے پہلے سے موجود تھے. اور ناظرین اس کے فوراً بعد وقت ضائع کیے بغیر قانون کے اہلکاروں نے نرسری کلاس میں پڑھنے والی 6 سالہ مہوش کو اپنے ہمراہ لیا اور فوری طور پر اسپتال کی جانب روانہ ہونے لگے. ناظرین سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ خدا کی سرزمین پر ان وحشی درندوں کو تو جنگلوں بیابانوں میں ہونا چاہیے، یہ انسانوں کی بستیوں میں کیا کر رہے ہیں. خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، ایسے کہ جو انسانوں کی صورت وحشی اور درندے ہیں. وقت کے گزرتے گزرتے جب اس بچی کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو اسے گاؤں میں موجود اس کے گھر پر پہنچا دیا گیا. گزرتی ہوئی اس شب میں تمام گاؤں کے افراد یہاں اسی مقام پر موجود تھے. ہر چہرہ خوف اور وسوسوں کا شکار دکھائی دے رہا تھا. ناظرین اولاد والے ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اولادوں کا تحفظ اس دنیا میں کس قدر کٹھن کام ہے. بہرحال یہاں موجود ان افراد کے درمیان ایک بار پھر حالات و واقعات جاننے کی خاطر تمام معلومات کو یکجا کیا جانے لگا. ہم قانون کے اہلکاروں کے ساتھ یہاں تک آ پہنچے. یہ جو عثمان ہے اسی لڑکے نے، کیونکہ پہلے بھی یہ آدھی مجرم ہے، ہم معافی دیتے رہے، میری غلطی تھی کہ تب بھی میں ان کو معاف نہ کرتے تو آج یہ کیفے کردار تک پہنچ چکا ہوتا. میری بچی جڑی ہے نا زندگی تباہ ہو گئی ہے، میری بچی کس سے قابل نہیں ہے، ایسا تو ٹورن دے بھی نہیں رائے گئے. پھانسی دا حکم آوے میرے سامنے، پھانسی مارو، ہاتھ جوڑی کھلیاں میں تے مینوں بچایو، اینو پھانسی لایو، میرے دل تے ٹھاڑ نہیں پندی تے مینوں سوتے تے نہیں آئے، اس تا منہ وکھاون دا نہیں آ شار، جے اینو پھانسی نہ لگے تا اسا بڑے پریشان آں، تے اک بچی آئی انہاں دی تے بہوں پریشان آئے پے، اس تا ہاتھ جڑے نے انصاف ملیا جاوے، اینو پھانسی ملی جاوے تے بچی کسے قابل دے نہ شادی دے قابل رہ گئی، کسے قابل نہیں رہ گئی، نہ سکول پڑھان دے قابل رہ گئی، بچی کسے قابل نہیں رہ گئی، ہاتھ جڑے نے ساری امداد کرو، انصاف ملے. بچی سکول میں آ رہی سی تے عثمان نے مطلب پکڑ کے تے گھر لے گئے لٹرین میں، بچی سے زیادتی کی تے بہت ظلم ہویا. اور ناظرین اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی نے بھی حالات سے واقف رہنے کی خاطر رابطہ قائم کیا. گاؤں کے افراد قانون کے اہلکاروں کے ساتھ اسی مقام پر موجود تھے کہ جہاں اکثر ان لوگوں کی بیٹھک ہوتی ہے. یہاں گفت و شنید یہی جاری تھی کہ آخر ان جرائم کے پیچھے، اس کے پس پشت یہ مکروہ کاروائیاں کرنے والا کون ہے. اس بستی کے کونے کونے میں قانون کے اہلکار اسی تلاش اور جستجو میں تھے کہ آخر اس راہ کا تعین تو ہو پائے کہ جہاں سے جرم کا یہ پہلو آشکار ہوا. اور اچانک ہی ایک شخص نے
قانون کے اہلکاروں سے رابطہ قائم کیا۔ اس شخص کے رابطے نے تمام تر پہلوؤں کو آشکار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں بن فلاں شخص یہاں پر بچی کو لے کر آیا تھا، میں اس لیے یہاں موجود تھا کہ میں اپنی فصلوں میں پانی دے رہا تھا اور اس کی اور میری نگاہیں ایک دوسرے سے چار بھی ہوئی تھیں، اس کے بعد سے اب تک وہ شخص مجھے نظر نہیں آیا۔ ناظرین، یہاں موجود ملنے والے اس شاہد نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ گواہ موجود تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یہاں معصوم بچی کو کسی شخص کی گود میں دیکھا۔ کیسی بیٹی ہے؟ ٹھیک نہیں بیٹی ہے؟ میں پریشان ہوں، اونچا بول۔ سمان کدے ہونا؟ سمان کدے نس گیا؟ اور اس اطلاع کے بعد قانون کے اہلکار ان منازل کی جانب روانہ ہونے لگے کہ جہاں جرم کی بے خونی کی جا سکے۔ تمام دن مطلوبہ ملزم کی تلاش میں گزر گیا اور آخر آہستہ آہستہ دن کی روشنی رات کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگی۔ ناظرین، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں کہ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے اور اس داستان کو جہاں روکا ہے یہیں سے ایک بار پھر آپ تمام معزز خواتین حضرات تک پہنچائیں گے کرمینلز موسٹ وانٹڈ۔